नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। रंग लाया देवेंद्र जावलिया का हिम्मत वाला फैसला, एक ही दिन में वार्ड 10 को मिली 38 लाख की सौगात। एग्रीटेक मीट का हुआ समापन, शहर को गांवों ने कहा अलविदा, सरकार राजधानी लौटी। विकास के पैसे ही टकार गए मार साहब, बेबस अधिकारी हुए निशब्द, बिना रिकॉर्ड के कैसे हो मामला दर्ज। और अशोका टॉकीज में दिखेगी पक्की हीरोगिरी, रायपुर के कलाकारों का अभिनय होगा आकर्षण का केंद्र। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हरकत में आए निगम की। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आज उदयपुर न्यूज दबंग मर्द वार्ड सेवक देवेंद्र जावलिया के लिए सिर्फ यही कहना चाहता है, क्योंकि अगर उन्होंने इस्तीफे की पेशकश नहीं की होती तो शायद उनके वार्ड की जनता इसी तरह दुखी रहती जो अब नहीं रहेगी। जी हां, जिन 3 सालों में वार्ड 10 में मात्र 37 लाख का काम हुआ, उसी वार्ड में गुरुवार को एक दिन में 38 लाख के कामों की शुरुआत हो गई। यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि श्री जावलिया ने हिम्मत दिखाई जो शायद निगम के किसी और वार्ड सेवक में अब बची नहीं है। हालांकि इस देरी के जिम्मेदार लोगों ने कतई इस बात को नहीं स्वीकारा कि जावलिया के इस्तीफे की पेशकश के बाद ही यह वर्क ऑर्डर दिए गए हैं। उनका कहना था कि 3 महीनों से प्रोसेस चल रहा था, पर जनाब ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आइए आपको भी बताते हैं गुरुवार की सुबह वार्ड 10 में क्या कुछ हुआ। यह है देवेंद्र जावलिया, जो वार्ड 10 यानी कि शहर की धड़कन माने जाने वाले इलाके के वार्ड सेवक हैं। क्योंकि पर्यटन नगरी में आने वाला हर शख्स यहाँ से नहीं गुजरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राजमहल को निहारना हो, गुलाब बाग, दूध तलाई, गणगौर घाट में घूमना हो या जगदीश मंदिर और लक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने हो, उसे इस वार्ड में तो आना ही होगा। इस वार्ड की जनता ने भाजपा से खड़े हुए पार्षद देवेंद्र जावलिया को इस मंशा से चुना कि वह निगम में जाकर क्षेत्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पूरे बोर्ड में भी खुशी का माहौल था कि इस बार विपक्ष तो बचा ही नहीं, अब तो काम में अड़चने भी नहीं आएगी। ऐसे में निगम में भाजपा के 5वें बोर्ड को लगभग 3 साल होने आए हैं। ऐसे में देवेंद्र जावलिया के वार्ड में मात्र 37 लाख के काम हुए, वह जनता को जवाब दे भी तो क्या। वहीं उन्हें अतिक्रमण निरोधी समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। उन्हें लगा कि वह सिर्फ नाम मात्र के अध्यक्ष हैं और औपचारिकता निभा रहे हैं, क्योंकि असहाय लोगों पर तो निगम तुरंत कार्रवाई कर रहा है और रसूखदारों के अवैध निर्माण सीना ताने खड़े हुए हैं। ऐसे में गत शनिवार को श्री जावलिया ने मॉर्निंग वॉक के दौरान गृह सेवक और निगम के कर्ता धर्ता गुलाब चंद कटारिया और निगम के प्रभारी प्रेम सिंह शक्तावत को अपना इस्तीफा थमा दिया। वहीं दोपहर में एक कार्यक्रम के दौरान महापौर चंद्र सिंह कोठारी और देवेंद्र जावलिया के बीच इस मसले को लेकर तीखी बहस भी हुई थी। इस्तीफे की खबर हवा की तरह पूरे शहर में फैल गई। सुना है उदयपुर निगम में चल रही अनबन की सूचना राजधानी जयपुर तक भी गई। 3 सालों में पहली बार किसी सत्तारूढ़ पार्टी के पार्षद ने अपने मन की व्यथा बताते हुए जो हिम्मत दिखाई उसकी सोशल मीडिया पर भी खूब तारीफ हुई। विरोधी पार्टी के दिग्गज भी जावलिया के इस फैसले से काफी खुश हुए। उसके बाद तो मानो निगम के बोर्ड में भूचाल सा आ गया हो। सबसे ज्यादा पार्षदों वाले इस बोर्ड में कई और भी सोचने लगे कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं। अपुष्ट सूत्र बताते हैं कि जल्द ही आधा दर्जन वार्ड सेवक ऐसे हैं जो भी इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। खैर, जावलिया ने शनिवार को अपना विरोध दर्ज करवाया, रविवार का अवकाश था और गुरुवार को निगम प्रबंधन ने वार्ड 10 के लिए 38 लाख के वार्ड ऑर्डर पास कर दिए। और सिर्फ 3 दिन में पास हुए वर्क ऑर्डर के बारे में जब महापौर चंद्र सिंह कोठारी और निर्माण समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह प्रयास तो 3 महीने से चल रहा था। जावलिया के विरोध के बाद वर्क ऑर्डर पास हुआ, यह मात्र मिथ्या है। ऐसा नहीं है, मैंने कहा नहीं, जब कभी कोई नहीं ऐसा, मैं प्रक्रिया बताता हूँ आपको। आज हमने जैसे स्मार्ट सिटी का 480 करोड़ का टेंडर किया है, एक दिन में टेंडर नहीं हो सकता है। टेंडर करने के लिए कम से कम 1 महीने की हमें समय सीमा चाहिए और उसके बाद टेंडर खोलते हैं। पहले उनकी टेक्निकल बिड खुलती है, फाइनेंशियल बिड खुलती है, इसके बाद उससे वर्क ऑर्डर देने से पहले एग्रीमेंट साइन होते हैं। इतनी लंबी प्रक्रिया 3 महीने की एक टेंडर के लिए होती है। और ये जो शुरू काम हुए सारे प्रोसेस में है, पाइपलाइन में थे। यहाँ उन्हें कहा था मुहूर्त करवाने की, उन्होंने मुहूर्त देखा 10:30 बजे का कि हमें तो मुहूर्त से होना चाहिए, उसे किया हमने। इससे पहले आज दिन तक जब हम मुहूर्त कर रहे हैं, हम कोई तिथि देखते हैं ना वार देखते हैं, 9 बजे सुबह निकले मुहूर्त कर देते हैं। इन्होंने थोड़ा व्यवस्थित मुहूर्त करवाया तो 10:30 बजे करवाया है। और ये जो काम आज के 38 लाख के हैं, ये कम से कम 3 महीने पहले इनकी फाइल चली है। फाइल चलने के पश्चात विधिवत टेंडर हुए हैं। टेंडर होने के बाद
एग्रीमेंट हुए हैं, एग्रीमेंट होने के बाद वर्क ऑर्डर हुआ है और तब जाकर ये काम शुरू हुआ है। इसलिए कोई तत्काल कहे कि हम वहाँ काम शुरू कर दें, ऐसा सरकारी प्रक्रिया में संभव नहीं है। ये देखो 38 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोसीजर 6 महीने पहले से चालू हुआ, टेंडर हुआ, वर्क ऑर्डर इसका 1 महीने पहले हो गया, मुहूर्त अभी हुआ है। यह वर्क ऑर्डर अभी का नहीं है, कागजों के अंदर है, मेरे कहने से काम नहीं चलेगा। देवेंद्र जी की या अखबार में आने की वजह से हमने तुरंत प्रभाव से टेंडर लगा दिया, ऐसा नहीं है। 2 महीने से ज्यादा तो हमारे ठेकेदार स्ट्राइक के ऊपर है। जीएसटी के विषय में पूरे ही राजस्थान के अंदर सभी ठेकेदार स्ट्राइक पर है। इसका मतलब ये हुआ कि यह कार्य पिछले 6 महीने से ही हमने इसका टेंडर लगाया था। विकास के मामले में चाहे देवेंद्र जी का वार्ड हो या चाहे और किसी का भी वार्ड हो, हम बिल्कुल भी दुर्प्रांत नहीं करते हैं। 55 वार्डों के अंदर करीबन 100 करोड़ रुपए विकास के मामले में कार्य चल रहे हैं और मैं विश्वास दिलाता हूँ उदयपुर की जनता को, जो 55 में से 49 पार्षद हमारे को चुनकर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिए, गुलाब जी भाई साहब के नेतृत्व में महापौर उपमहापौर हमारे सारे ही पार्षद बंधु बहन मिलकर इस नगर को अच्छे से अच्छा से सुंदर कैसा बने उसके लिए हम लगे हुए हैं। मेरी पार्टी ने मुझे भी निर्माण का जिम्मे दिया, मैं भी चाहता हूं कि ये काम अच्छे से अच्छा और मेरे कार्यकाल के अंदर हो तो मेरे को भी वाहवाही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सारे पार्टी के पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जो समय समय पर हमारे को सहयोग प्रदान करते हैं। इसलिए आपका यह कहना कि दबाव में आकर काम करना बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है। यह वर्क ऑर्डर 1 महीने पहले ही हो चुका था, यह अखबारबाजी तो अभी हुई है और अखबारबाजी नहीं होनी चाहिए, हम यही आशा और विश्वास करते हैं। तो देखा आपने 3 महीनों में जो काम सरकारी नियमों के हिसाब से होता है वह मात्र 3 दिनों में हो गया। भले ही जिम्मेदार कुछ भी कहे लेकिन वास्तव में वार्ड 10 में कार्यों की शुरुआत तो विरोध के बाद ही हुई है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि शहर के 55 वार्डों में लोगों की परेशानियों को दूर नहीं कर पाने का दंश झेल रहे वार्ड सेवक कब हिम्मत वाले बनेंगे। खैर इस पूरे मामले पर जब जनता प्रतिपक्ष मोहसिन खान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि भले ही भाजपा के 49 पार्षद सत्ता में हो लेकिन महापौर के आगे किसी की नहीं चलती, एक भी समिति अध्यक्ष के पास वह ताकत नहीं है कि वह खुद की मर्जी से उसकी समिति का काम ही करवा ले। सुनिए नेता प्रतिपक्ष का क्या कुछ कहना है। वार्ड 10 के पार्षद और नगर निगम अतिक्रमण निरोधक दस्ते के समिति अध्यक्ष देवेंद्र चावलिया द्वारा इस्तीफा देने की बात जो सामने आई है उससे ये बात सच्ची साबित हो गई है कि उदयपुर नगर निगम का बोर्ड पूर्णतः विफल है और कोई भी काम जनता के हित में इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। यही बात कहते हुए वार्ड 10 के पार्षद और समिति अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। आज देखा जाए तो शहर की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि समस्त उदयपुर के जनवासी और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो समिति अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में, सब तरईमान कर रहे हैं। महापौर ने सारे पावर अपने पास केंद्रित करके रख रखे हैं, जिसका कितनी बार पार्टी के इनके कार्यक्रमों में बोर्ड की मीटिंगों में हमेशा विरोध होता रहा है, उसके बावजूद भी ये डर्रा अभी तक बरकरार है, जिसके चलते देवेंद्र जावलिया ने अपना इस्तीफा गृह मंत्री को सौंप दिया और समिति को छोड़ दिया। मैं आज आपके टेलीविज़न चैनल के माध्यम से ये बात उदयपुर की जनता तक ले जाना चाहता हूँ कि जब जनता ने इन्हें पूर्ण रूप से बहुमत दिया, 49 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीता है, तो 3 वर्ष निकल चुके हैं, लगभग अभी नवंबर में 3 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे इस बोर्ड को, पर 3 वर्ष निकलने के बावजूद भी ये जनता के हित में कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाए जिससे इनको ऐसा महसूस हो कि जनता के हित में काम हुआ है और जनता भी सेटिस्फाइड हो पाए और मान पाए कि हमारे हित में इस भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने काम किया है। पिछले 20 से 22 वर्ष गुजर चुके हैं, 4 बोर्ड इनके रहे, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा, अभी भी पूर्ण बहुमत का इनका बोर्ड है। कितनी बार आयड़ नदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के इस बोर्ड में जो भी सरकार रही उसके द्वारा पैसा आया, परंतु इन लोगों ने उसका काम नहीं शुरू किया और उस आयड़ नदी के स्वरूप को बिगड़ने दिया, अवैध अतिक्रमण होने दिए, कब्जे होने दिए। जब उसका पूर्णता स्वरूप बिगड़ गया तो अब इन्होंने चुनाव के मात्र विधानसभा चुनाव के कुछ ही समय पहले आयड़ नदी के नाम का
एक बवंडर शहर में फैलाया है कि हम आयर नदी का विकास करेंगे, आयर नदी को वेनिस की तर्ज पर तैयार करेंगे, जो पिछले 20 वर्षों से गृह मंत्री इसका गुणगान कर रहे हैं और इस नाम पर पूरे शहर में राजनीति कर रहे हैं। तो इनका दोगलापन और इनकी नीति जनता के सामने आ रही है धीरे धीरे। उदयपुर की जनता से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आगामी चुनाव जो भी विधानसभा के होने वाले हैं या म्यूनसिपल चुनाव होने वाले हैं, उनमें जनता सोच समझकर पूरे न्याय के साथ अपना वोट दे, क्योंकि शहर के विकास के लिए बदलाव जरूरी है और जब तक बदलाव नहीं होगा विकास हो नहीं पाएगा। आपने एक ही व्यक्ति को बार बार चुन के देख लिया, उन्होंने 20 वर्षों में इस शहर का कुछ भी नहीं किया। कोई एक ऐसी उपलब्धि जो इस शहर को मिली हो इन 20 वर्षों में तो कोई बता दे या साबित करें कि हमने ये काम किए हैं शहर के हित में। हर तरफ अवैध निर्माण, अतिक्रमण, शहर के हालात देख लो, ट्रैफिक की व्यवस्था देख लो, सब उजाड़ पड़ा है। इनके पार्षद खुद इनका विरोध में खड़े हो गए। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि इनके पार्षद खुद ही इनके विरोध में खड़े हो गए, और इससे इस बात को बल मिलता है कि कहीं ना कहीं इनका मानस पूंजीपति और जो बड़े उद्योगपति हैं उनको संरक्षण देने का है और गरीबों पर वार करने का है और विकास से दूर रख के इन्हीं बातों में उलझा देने का है। उदयपुर जिले के कोटड़ा में सालों तक बंद रहने और अध्यापकों के नियमित नहीं आने से कई बार चर्चाओं में रहा झालरा स्कूल अब बिना छत के संचालित होने वाली स्कूल की वजह से चर्चाओं में है। कोटड़ा तहसील की गोगरुद पंचायत के झालरा गांव में संचालित उच्च प्राथमिक स्कूल के भवन पर छत नहीं है। स्कूल भवन की छत पर बिना किसी सपोर्ट के इस पर टीन लगाए हुए है। छत केवल लकड़ियों पर अटकाई हुई होने से खतरनाक है। ऐसे हालात में भी छत को पूरा नहीं ढका हुआ है। इस स्थिति में नामांकित 50 बच्चों के लिए ये छत कभी खतरा साबित हो सकती है। सरकार शिक्षा के लिए अच्छा माहौल मिले उसके तहत भवन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। सुविधा तो दूर, यह भवन भी नहीं है। ऐसे हालात में बच्चों को बरसात में पढ़ाने और भारी दिक्कत आती है। शिक्षा से बच्चों का विकास कैसे होगा जब बच्चों को पढ़ाने के लिए भवन ही नहीं मिल पा रहा है। सूत्रों की माने तो पूर्व में कार्यरत अध्यापक अनिल खराड़ी के समय में स्कूल के भवन सहित बाउंड्री वॉल, दो शौचालय के लिए बजट भी सर्व शिक्षा के माध्यम से दिया गया था, लेकिन अध्यापक ने स्कूल सालों तक नहीं खोला। जब मामला सामने आया तो अध्यापक से सारे दस्तावेज मांगे गए, लेकिन उसने कोई रिकॉर्ड भी प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद तो अक्टूबर 2015 से यहां से फरार हो गया, जो कि अब तक नहीं मिल पाया है। अब इसका राशि का कोई पता नहीं चल पा रहा है। शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूल भवन के लिए तो बजट दे दिया गया था, अब फिर से बजट मिल पाना मुश्किल है। अध्यापक अनिल खराड़ी के इस तरह रिकॉर्ड नहीं देने और फरार होने के बाद बीईओ जीवनलाल खराड़ी संबंधित बेकरिया थाना पर अध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज करवाने भी गए, लेकिन रिकॉर्ड नहीं होने से थाने पर भी FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया गया। ये आपके कोटड़ा में एक जालरा स्कूल है जो बिना छत के संचालित हो रहा है, और यहाँ के जो छत का जो पैसा था वो दे दिया गया विभाग की तरफ से, और सुना है कि जो वहाँ पर अध्यापक जी थे उन्होंने वो काम नहीं करवाया। तो क्या कहना है आपका? जालरा जी, जालरा स्कूल तो ऐसा है कि पहले से अपने वहाँ जो रोड नहीं बना था उस समय से किसी बंदे ने बनवाया था जी। इसके बाद में वापस दूसरा बंदा जो अनिल खिलाड़ी कर गया था 2012 की भर्ती में, वो आया था, उसको काम दिया था तो उसने काम कराया नहीं, और वो कुछ पैसा तो उसका बाउंड्री वॉल का था, कुछ सोचा लगा था, और उसने कोई हिसाब किताब नहीं दिया और वो एब्सेंट चल रहा है 2 साल से जी। और उसके अपन ने डीओ को ही सूचना दे दी कि भाई ये एब्सेंट चल रहा है, उसकी जो कार्रवाई होगी वो करे, और मुझे उदयपुर भेज दिया था। लेकिन अभी तक तो उसका ना तो कोई लेटा है ना वो बंदा भी अभी तक वापस तेरा रिकॉर्ड लेकर के हमने बुलाया था, तेरा जो रिकॉर्ड है फेसबुक है पासबुक है जो भी तेरे पास जब वो लेकर के हमको बताया तो उसने किसी प्रकार का कोई अपने पास रिकॉर्ड नहीं बताया है। और बाद में जो नई नियुक्ति वापस बच्चा बंदा जो आया है वो बाद में कार्यरत है, और अभी इस साल जो उसके जो पकड़े टीन शेड वगैरह थे वो भी उड़ गए, तो बारिश में वापस उड़ गए, तो वापस कुछ जगह है। लेकिन हमने विभाग को भेज रखा है, लेकिन अभी मतलब ये है कि सर्व शिक्षा जो अभियान माध्यम से जो पैसा आया है वो तो उन्होंने एक बार दे दिया, अब वो बोल रहे हैं कि एक बार दे दिया फिर नहीं देंगे, और ये अध्यापक जो है ये अभी यहाँ मौके पे नहीं है। हाँ, वो अध्यापक मौजूद नहीं है। जो बच्चों का जो भविष्य है वो कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि बिना टीम शीट के जो बच्चे पढ़ रहे हैं या पहले जो पतेरे जो लगाए गए थे वो भी खतरनाक ही थे।
बिल्कुल बिल्कुल वो सही है, लेकिन वो क्या है कि बंदा अभी तक आया भी नहीं, उसने अभी तक लापता हूँ सब। हमने तो उसको सूचना देने के बाद में अभी 25 महीने हो गए, 25 महीने तक पेमेंट नहीं बन रहा उसका पड़ा है, आया ही नहीं बंदा से, तो रिकॉर्ड नहीं पता उसने। अच्छा तो अब आपका क्या कदम रहेगा या कब तक आप करवा पाएंगे काम? काम तो कहाँ से करवा पाए, हमने तो लिखा है भाई ये बिल्डिंग की आवश्यकता है, उसमें जो पैसे की स्वीकृति की जाए या उसके निर्माण वो कचरे निर्माण का जो भी रिपेयर का किया जाए जैसे भी हो, तो अब विभाग दे तो अपन तो कहाँ से करा है, हमारे पॉकेट में तो कोई राशि मध्य के पास आती नहीं है, जयपुर से निकलती है ना। फ्लैग सिटी उदयपुर में आयोजित हुई एग्रीटेक मीट के समापन समारोह में शिरकत करने आए केंद्रीय कानून राज्य सेवक पीपी चौधरी ने गुजरात चुनाव और पद्मावती मूवी के रिलीज को लेकर हो रहे विरोध पर अपनी प्रतिक्रिया दी। चौधरी ने गुजरात में बीजेपी की बेहतर स्थिति का दावा करते हुए साफ किया कि गुजरात में चुनाव एक तरफा है, जमीनी स्तर पर कांग्रेस का नामो निशान तक नहीं है। चौधरी ने कहा कि वहां 50,000 बूथ है जिस पर हमारे करीब 10 लाख पेज प्रमुख कार्य कर रहे हैं, वे एक एक कर परिवार से संपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी गुजरात में हमारे कार्यकर्ताओं के सामने नहीं टिक पा रही है, यही नहीं गुजरात की जनता राहुल गांधी और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी में फर्क जानती है और वहां की जनता विकास पर विश्वास करती है न कि वंशवाद पर। इस मौके पर चौधरी पद्मावती फिल्म को लेकर हो रहे विरोध पर बचते हुए नजर आए, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर इस वजह से किसी के समाज को ठेस पहुंचती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में पूर्व राजघराने के सदस्य भी इसके विरोध में उतरे हैं तो उनका विरोध करना जायज है। इस फिल्म के विरोध में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आप विरोध दर्ज करना चाहते हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने इसको लेकर विरोध करने वाले खूब बताकर इससे कन्नी काट ली। गुजरात में हमारी पार्टी की स्थिति बहुत बढ़िया है, वहाँ चुनाव एक तरफा है, ग्राउंड पे बिल्कुल कांग्रेस का नामो निशान नहीं है, वहाँ पर 50,000 बूथ हैं लेकिन 10 लाख हमारे पेज प्रमुख हैं वहाँ पर पूरे, तो हर बूथ पे हमारे 20 पेज प्रमुख हैं और हर पेज प्रमुख जो हैं एक एक पेज प्रमुख को हमारे 10 परिवार जो आते हैं, एक पेज पे 10 परिवार हैं, उस 10 परिवार तक हमारा पेज प्रमुख जो हैं वो पहुँच रहा है और कुछ टाइम में 12 तारीख तक हर परिवार तक हमारा पेज प्रमुख पहुंच जाएगा। लेकिन कांग्रेस जो हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं के सामने कहीं नहीं टिक पा रही हैं। आम जनता गुजरात की जो हैं वो मोदी जी में और राहुल गांधी में फ़र्क जानता है, उनको पता है कि सिर्फ जो हैं अगर राहुल जी चल रहे हैं, कांग्रेस चल रही हैं तो वो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चल रही हैं, अखबार के माध्यम से चल रही हैं। जनता जो है वो बिल्कुल समझ चुकी हैं, जनता विकास में विश्वास करती हैं, वंशवाद में विश्वास नहीं करती। देखिए इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि जहाँ तक विरोध की बात है मैं इसमें जानकारी के अभाव में इसके बारे में मैं चाहूँगा कि इसमें कुछ कमेंट नहीं करूँ। राजघराने भी हैं जो इसके विरोध में सामने, देखिए जहाँ पर किसी के समाज के उसके उस पर अगर कोई ठेस पहुँचती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल विरोध उसमें वाजिब है उनका। राजस्थान की तरफ से आप भी विरोध दर्ज कराएंगे क्या? नहीं देखिए ऐसा है कि विरोध दर्ज कराने वाले खूब हैं, हमारी जरूरत काम जरूरत पड़ेगी नहीं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शादी को वर्षों बीत गए लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने रीत गए, दुख और विषद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी जब नील कंठ पे नजर पड़ी, जैसे कहता हो नील कंठ तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस आना और झोली भर के ले जाना, मन में फुलझड़िया छूटेगी अब नन्हे मुन्हे बच्चे की, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ मदरहुड। थैंक यू नीलकंठ। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में, हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी टू व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध, त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर, संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में, हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध।
बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने टू व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट बीएन कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738। स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट। लोअर पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकिस सूरजपुर उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं? उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लैक सिटी उदयपुर के सीटीआई कॉलेज ग्राउंड परिसर में आयोजित हो रहे प्रदेश के तीसरे एग्रीटेक मीट में तीसरे और आखिरी दिन बड़ी तादाद में किसानों का मजमा लगा रहा। इस दौरान किसानों के साथ साथ कई लोगों ने इस मीट में लगी स्टॉल्स प्रदर्शनी सहित कई नवाचारों का जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान आयोजन स्थल पर बड़ी तादाद में लोग कृषि से जुड़े नवाचारों से रूबरू होते नजर आए। गौरतलब है कि जयपुर और कोटा में आयोजित ग्राम की उपलब्धियों को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम उदयपुर का आयोजन किया गया। ग्राम उदयपुर के आयोजन के प्रमुख उद्देश्यों में उदयपुर संभाग के किसानों को कृषि और संबद्ध क्षेत्र में उपलब्ध नवीनतम तकनीकी ज्ञान और सर्वोत्तम कार्य प्रणाली से अवगत कराते हुए उन्हें विकास के लिए नए व्यापारिक अवसर उपलब्ध कराना है। इस आयोजन के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र के सभी हितधारक, जिनमें उदयपुर एवं आसपास के उन्नतिशील किसान, किसान समूह, कृषि व्यवसाय कंपनियां, शिक्षाविद, पशुपालन विशेषज्ञ, वित्तीय संस्थान और नीति निर्माता शामिल हैं, एक मंच पर एकत्रित हो रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा भी लोगों की संख्याओं को देखते हुए व्यवस्थाओं के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं पशुपालन विभाग द्वारा भी एग्रीटेक मीट में आए पशुओं की गंभीरता से साथ संभाल की जा रही है। ग्राम का मीट है, उसमें जो सबसे आकर्षण का केंद्र तो युवराज है और यहाँ पर जो ऊंट का डांस हो रहा है उस पर भी काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, प्लस जो प्रदर्शनी लगी हुई है एग्जीबिशन, उस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के जैसे स्प्रिंकलर हो गए या इनके पंप सेट हो गए, विभिन्न प्रकार के बीज हो गए और एक बीकानेर यूनिवर्सिटी का भी कुछ इन्होंने बाजरे के आधार पर कुछ खाद्य सामग्री बनाई है, तो उस पर भी भीड़ बहुत सारी नज़र आई है। और निश्चित रूप से ये जो ग्राम का आयोजन है वो बहुत उपादेय है। राज्य सरकार ने जो पहल की है ये उदयपुर संभाग के लोगों के लिए बहुत उपादेय है, बहुत सारी भीड़ भी है और मुझे लगता है कि भविष्य में ये इनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी, किसानों के लिए फायदेमंद, बहुत फायदेमंद है। यहाँ पर भारी संख्या में किसान पशुपालक आए हुए हैं, विशेष तौर पे जो ऊँटों का नृत्य हो रहा है यहाँ पर बहुत भीड़ है। ऊँट चूँकि अपना राज्य पशु है और ऊँटों के संरक्षण संवर्धन के लिए सरकार द्वारा ऊँटों के विकास के लिए योजना भी अभी चालू की गई है, उसके तहत ऊँटों को बढ़ाने के लिए भी ये लोगों में रुझान काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ विभिन्न नस्लों की पशु भी यहाँ पर है, कुक्कुट हैं, बटेर है, खरगोश है, इस प्रकार के सभी प्रकार के यहाँ पर एनिमल्स हैं। लगभग 64 पशुपालक यहाँ पर आए हुए हैं और सभी का यहाँ पर ज्ञानवर्धन हो रहा है। पशुपालन के प्रति लोगों को नई नई जानकारी दी जा रही है। जाजम चौपाल का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है, सारी व्यवस्था बहुत उत्तम है। कई जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हैं, अधिकारी आए हैं, किसान भाई बहन सब आए हुए हैं, कई जिज्ञासाएं उनकी हम शांत कर रहे हैं। ये जो इतने जानवर आए हैं उनमें किसी प्रकार की बीमारी ना फैले, इसके लिए पशुपालन विभाग ने, नहीं वर्तमान में यहाँ पर जानवर सभी स्वस्थ जानवर ही लाए गए हैं, फिर भी यहाँ पर 24 घंटे हमारे लिए इनकी देखरेख के लिए यहाँ पर चिकित्सालय की व्यवस्था की गई है। 24 घंटे दो दो चिकित्सक यहाँ पर 8-8 घंटे की ड्यूटी में तैनात हैं। किसी प्रकार की कोई बीमारी या छोटी मोटी चोट आदि लगने की अगर कोई शिकायत आती है उसका तुरंत यहाँ पर मौके पर उसका इलाज उपचार किया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संघर्ष समिति की ओर से गुरुवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पंचायती राज शिक्षक संघ के अध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि राज्य सरकार ने जो 7वां वेतनमान लागू किया है वो आधा अधूरा किया गया है। इसी को लेकर राजस्थान के सभी संगठन एक होकर प्रदेश के हर जिले के मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रमुख मांगों में केंद्र के समान वेतन भत्ता 1 जनवरी 2016 से दिया जाए तथा वर्तमान समय में पूरे राजस्थान में कर्मचारियों को जो वेतन अक्टूबर से दिया गया है वो मान्य नहीं है। साथ ही शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश के सभी शिक्षक ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले समय में आईएएस और आईपीएस को केंद्र के समान वेतन भत्ता नहीं दिया जाता है तो किसी भी हाल में इसको मंजूर नहीं किया जाएगा। और राजस्थान के 38 संगठन एक होकर 7 लाख कर्मचारी पूरे प्रदेश में एक साथ हड़ताल पर उतरेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। राजस्थान में जो 7वां वेतन आयोग लागू किया गया है वो आधा अधूरा दिया गया है, उसी को लेकर राजस्थान के तमाम संगठन आज एक होकर पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी जो मुख्य मांग है कि जो केंद्र के समान हमारा वेतन भत्ता जो 1 जनवरी और 2016 से दिया जाए, साथ में जो वर्तमान में पूरे राजस्थान के अंदर कर्मचारियों को 1 अक्टूबर से वेतन मान दिया गया है वो मान्य नहीं है और सभी प्रदेश के लोग इस संघर्ष के लिए ऐलान कर चुके हैं। आने वाले समय में जो आईपीएस और आईएएस को केंद्र के समान अगर वेतन भत्ते नहीं दिए जाते हैं तो हम किसी भी हालत में इस वेतन मान को मंजूर नहीं करेंगे। और साथ में राजस्थान के 38 संगठन एक हो गए हैं और जो कर्मचारी संघ महासंघ बड़े बड़े हैं वो सब एक हो चुके हैं। आने वाले समय में 7 लाख कर्मचारी पूरे प्रदेश से हड़ताल पर जाएंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए राजस्थान गुजरात दिल्ली में प्रथम बार एक साथ 20,000 स्कूली बालिकाओं को सर्दी से बचाने के लिए स्वेटर निःशुल्क वितरण किए जाएंगे। इस अभियान की शुरुआत शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही शहर की अग्नि संस्थान, नमो विचार मंच, लॉटरी क्लब, उदयपुर जैन सोशल ग्रुप, गो प्लेटिनम ग्रुप के संगठनों द्वारा मिलकर राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत लैंगिक समानता और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 20,000 स्वेटरों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। हम आपको बता दें कि इसका शुभारंभ शुक्रवार को सुबह 10:30 हिरण मगरी स्थित राज्य के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में माननीय शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी करेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक नमो विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण रतिया ने बताया कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वर्तमान समय में देश में लिंगानुपात गिरता जा रहा है, कुछ राज्यों में तो स्थितियां भयावह है। ऐसे में समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह देश की इस सामाजिक समस्या के विषय में सोचे और इसे दूर करने का प्रयास करे। इस अभियान के तहत देश के विभिन्न प्रांतों में स्वेटर बांटे जाएंगे। इसका समापन दिल्ली में होगा, जिसमें प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी बतौर अतिथि मौजूद रहेंगे। अक्सर ये बात करते हैं कि हमें देश सेवा करनी है या देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कई लोगों के कई तरीके के व्यूज आते हैं। तो उनमें से एक जो विचार है हमारे संगठन का कि अगर देशभक्ति है तो उसके अंदर जो सरकारी योजना है वो गरीबों तक पहुँच जाए, ज़रूरतमंदों तक पहुँच जाए और ज़मीन स्तर पर पहुँच जाए। तो इसी के क्रम में इससे पहले भी हम लोग लगभग 1.5 लाख नमोपत्र प्रधानमंत्री योजनाओं के वितरित कर चुके हैं, जिनसे लोगों में जागरूकता है। और इसके एक कदम आगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत पूरे भारत के अंदर हम लोग 20,000 स्वेटर निःशुल्क सरकारी स्कूल की बालिकाओं को वितरित करने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ कल किया जा रहा है। और कल 10 नवम्बर को दिन को 12 बजे सरकारी स्कूल से हमारे शिक्षा मंत्री वासुदेव जी देवनानी साहब, राजस्थान सरकार, उनकी उपस्थिति में शुभारंभ हो रहा है। और इसका समापन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की उपस्थिति में दिल्ली में किया जाएगा। और बुलेटिन में एक बार फिर से वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग। कन्वर्टेड आवासीय भूखंड आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध, 500 वर्ग फुट पर 11,000 रुपए डाउन पेमेंट और 1,410 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें, 1,000 वर्ग फुट पर 21,000 रुपए डाउन पेमेंट और 2,830 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें, 1,500 वर्ग फुट पर 31,500 रुपए डाउन पेमेंट और 4,250 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना, 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं, पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसूलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल 7340034134, 8890669683। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, कालापानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भक्ति सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजर, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल 2561600, मोबाइल नंबर 9829041330। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ।
साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली फ्रेंड्स गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्तास, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, एड्रेस हिरन नगरी मेन रोड सेक्टर 5 उदयपुर। ऑर्डर नाउ 0294-2460-709। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध, 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रुपए डाउन पेमेंट, 2,300 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें, 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रुपए डाउन पेमेंट, 3,450 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें, 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रुपए डाउन पेमेंट, 4,600 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध है। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 6 विनायक कुंज बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने उदयपुर। कॉल इट 0924-2470625-9460-68419-9460-68412-0-9829-632-125-8004-98443। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना, पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रुपए में। अभी तो कुछ और भी है, टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 9922997672 और 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड 100 फीट शोभापुरा रोड नंद भवन गार्डन के सामने, प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के अशोका सिनेमा घर में शुक्रवार से राजस्थान के कलाकारों पर फिल्माई गई फिल्म पक्की हीरोगिरी का प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए अरविंद कुमार और उनकी पत्नी नीलू लंबे समय से लगे हुए हैं और इस फिल्म के माध्यम से इन किरदारों ने ईश्वर और इंसान के बीच के समय और उसमें उपजने वाले संस्मरणों को कैद किया है। इस फिल्म में भगवान कृष्ण और एक साधारण इंसान के संवाद काफी दिलचस्प है। इस फिल्म में उदयपुर के कलाकार वीरेंद्र यदुवंशी, रीना यदुवंशी, विजय सिंह आदि ने भी बेहतरीन अभिनय किया है। फिल्म का निर्देशन सुनीत कुमावत, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हितेश सोलंकी ने किया, वहीं असिस्टेंट डायरेक्टर गिरीश वैष्णव ने किया। इस फिल्म में पद्मश्री गुलाबो की बेटी राखी, राजा हसन और वीआईपी सुरेंद्र पाल आदि का रोल मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। फिल्म 10 नवंबर से 18 नवंबर तक अशोका सिनेमा में दिखाई जाएगी। रोजाना 1 बजे और शाम को 7 बजे शो दिखाए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं उदयपुर धरती का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने फिर से मेरी हर फिल्म आने वाले को इतना प्यार और साथ दिया है। इस बार कल फिल्म रिलीज हो रही है 10 तारीख को पक्की हीरोगिरी। मैं जैसे हमेशा उम्मीद लेके आता हूँ और मुझे वो उम्मीदों पे खरा ये उदयपुर उतरता है और कल
पहली बार इतने बड़े लेवल से फिल्म रिलीज़ हो रही है कि मेरे आज इतना मुझे खुशी हो रही है कि राजस्थान में वाकई में राजस्थानी फिल्मों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि अब सारे मीडिया से लेकर चैनल से लेकर अपने राजस्थान के तमाम अपनी इतनी अच्छे से ड्यूटी निभा रहा है और वो इतना ही कह रहा है कि यार अपने राजस्थान के लिए कुछ करना है। तो मैं आप सभी चैनलों का बहुत आभारी हूँ कि अब राजस्थान को भी इतना इंपॉर्टेंट देने लगे हो। थैंक यू वेरी मच, और पक्की हीरोगिरी को देखना ना भूलें, क्योंकि हम आपके हैं और आप हमारे हो। सबसे पहले तो मैं सबको यही बोलूँगी कि हमारी राजस्थानी फिल्म कल जो है रिलीज़ होने वाली है, पक्की हीरोगिरी, अशोका सिनेमा में। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, कल ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है, बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अपने राजस्थान के लोग देखना चाहते हैं राजस्थानी फिल्में। और ये जिस तरह से जो फिल्में आती है, लोगों में इतना एक्साइटमेंट रहता है, उनका एक्साइटमेंट देखे हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो जस्ट यही है कि फिंगर क्रॉस है कि कल बहुत अच्छा हो, और बस ये है कि आप लोग जितने आइए अपनी राजस्थानी फिल्म में प्लीज़ देखने आइए। उदयपुर में आयोजित किए 3 दिवसीय ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम के स्मार्ट फार्म में अनेक उन्नत एवं आधुनिक कृषि उपकरण, मशीनरी और तकनीकें प्रदर्शित की गई। यह स्मार्ट फार्म यहां आने वाले किसानों और अन्य आगंतुकों के मध्य आकर्षण का केंद्र बने रहे। 18 विभिन्न स्टॉलों के साथ कुल 1650 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला स्मार्ट फार्म किसानों की आय दोगुनी करने थीम पर आधारित था। सर्वविदित है कि ग्राम उदयपुर का आयोजित महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 9 नवंबर तक किया गया। यह विशाल कृषि आयोजन राजस्थान सरकार तथा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। किसानों की आय दोगुनी करने की थीम के अनुरूप स्मार्ट फार्म में राजस्थान सरकार की कई योजनाओं को भी प्रदर्शित किया गया। इन योजनाओं में पर ड्रॉप मोर क्रॉप, डेयरी, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मशरूम की खेती और पशुपालन के आदि के माध्यम शामिल हैं। स्मार्ट फार्म के मध्य में खेत का एक विशाल लाइव मॉडल बनाया गया है, जिसमें पशुपालन, बागवानी, फूलों की खेती, जैविक खेती, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कीटों की रोकथाम की आधुनिक तकनीकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। साथ ही बायोगैस प्लांट, सोलर एनर्जी डिवाइस, हाइब्रिड मक्का का उत्पादन, पॉली हाउसेस, ग्रीन हाउस और शेड नेट के बारे में जानकारी दी जा रही है। स्मार्ट फार्म के तहत सौर ऊर्जा एवं बायोगैस से चलने वाली मिल्किंग मशीन भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा निर्मित की गई है। यह मशीन बछड़े द्वारा गाय का दूध पीने की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर बनाई गई है और गाय के लिए भी बेहद आरामदेह है। इस मशीन का उपयोग करके निकाला गया दूध किसी भी प्रकार के दूषण से मुक्त होता है। यह मशीन लंबे समय तक दूध दुहने से महिलाओं में होने वाली जोड़ों के दर्द या पीठ दर्द जैसी समस्याओं से बचाव करने में सहायक है। मशीन का उपयोग करने से ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के अन्य स्रोतों के लिए अतिरिक्त समय भी मिलेगा। इसी प्रकार स्मार्ट फार्म में एक और मशीन मिल्को स्क्रीन भी प्रदर्शित की गई है, जो शुद्ध दूध एवं अशुद्ध दूध के बीच अंतर बताती है। किसानों का उचित भुगतान सुनिश्चित करने हेतु यह मशीन उपभोक्ताओं एवं किसानों दोनों के लिए फायदेमंद है। इन सभी के साथ साथ स्मार्ट फार्म में वन उपज मंडी, नर्सरी एवं फलों के बगीचे, मशरूम की खेती, मछली पालन, मोती की खेती, मधुमक्खी पालन, सदाबहार आम भी बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उदयपुर में आयोजित हुई 3 दिवसीय ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का गुरुवार को समापन हुआ। इसमें राजस्थान के झुंझुनू से आए 2 ऊंट काफी आकर्षण का केंद्र रहे। ये ऊंट मेले में शिरकत करने आए लोगों के सामने अपने अनूठे नृत्य से सभी के दिलों पर छा गए। ऊंटों को डांस करता देख मानो यहाँ आने वाला हर शख्स वही ठहर गया। इन ऊंटों को इनके मालिक द्वारा विशेष ट्रेनिंग दी गई, जिससे ये आकर्षक डांस कर सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। पिछले 25 वर्षों से इस तरह का रोचक डांस करने वाले ये ऊंट खाट पर बैठकर, खाट पर लेटकर राजस्थानी और बॉलीवुड गानों पर जोरदार ठुमके लेते हैं। यही नहीं, खाट पर डांस के दौरान इनके साथ आई युवतियां भी ऊंट पर बैठकर राजस्थानी गानों पर जोरदार डांस कर यहां आने वाले हर शख्स का खूब मनोरंजन करती दिखाई दी। प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है, पब्लिक देखने के लिए बहुत। 2 ऊंट लेके आए हैं डांस करने वाले, डांस करते हैं और माला डालते हैं, चौपाला, दमाल, हदर सब काम करते हैं। जैसे आदमी करता है वैसे ही पशु भी काम करता है। इनको साहब शाम को दूध दिया जाता है, ये दिया जाता है और काकड़ा दिया जाता है। हाँ जी, हाँ विशेष ऊँट है ये। हुआ तो पढ़ाई के ऊपर बात होती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ, आज 25 साल हो गई काम करते हुए। धीरे धीरे सिखाना पड़ता है बच्चे को, ट्रेंड हो जाता है। अभी ओमान भी प्रोग्राम करके आए हैं और बीकानेर भी करके आए हैं, दिल्ली भी करके आए हमने 2 बार। वसुंधरा जी के इनको भी प्रोग्राम, तीसरा हमारा ये प्रोग्राम इधर।
बढ़िया सर, जनता बढ़िया खूब राजी होती है, हमारे को भी दिलचस्पी है इसी प्रोग्राम के लिए ही बस। पब्लिक बहुत राजी रहती है, हमारा प्रोग्राम दिन के अंदर 7-8 प्रोग्राम लगाते हैं, सभी को राजी रखते हैं। बच्चे को प्रमोट कर रहा है सरकार का, बहुत अच्छा एक प्रयास है किसानों के लिए, इतना फंड आया है और ये सब लोग हमें बहुत अच्छी नॉलेज देने के लिए था। और जहाँ तक इस डांस की बात की जाए, एकदम डिफरेंट वे में एक कैमल को यूज़ करके, मतलब किस तरह उसके डिफरेंट वे में ये बता रहा है राजस्थान के कल्चर को, जो एक तरह से ये राजस्थान का ही डांस है, तो उसे प्रमोट कर रहा है, बहुत लोग देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग जानवर हैं, उनकी नस्लें देखने को मिल रही हैं, हमें नॉलेज मिल रही है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा था। हाँ जी, बहुत डिफरेंट एक यूनिक स्टाइल में था, बहुत अच्छा था। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मेला है, काफ़ी बहुत अच्छा है ये, और यहाँ पे बहुत अलग अलग ब्रीड के जो जानवर हैं, अलग अलग जो मतलब प्रकार के जो है जानवर, बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव हैं। इससे किसान यहाँ पे आके किसानों को भी मोटिवेशन मिल रहा है कि उनको किस तरह से खेती करना चाहिए, तो बहुत अच्छा है ये मेला। तो आई थिंक ये बहुत प्रमोटिंग है, सो थैंक यू, बहुत अच्छा। ये डांस सुपर्ब था, और राजस्थानी सॉन्ग फोक सॉन्ग इज सुपर्ब, यू नो, तो बहुत अच्छा लगा मेला, थैंक यू। सेवा और चिकित्सकों द्वारा पिछले कई दिनों से की जा रही हड़ताल के समर्थन में गुरुवार को उदयपुर के एमबी चिकित्सालय के रेजिडेंट भी हड़ताल पर उतर गए हैं। आउटडोर से लेकर आपातकालीन इकाई तक मरीजों की परेशानी से भी यह रेजिडेंट डॉक्टर नहीं पसीजे। इस स्ट्राइक की वजह से एमबी चिकित्सालय में मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उदयपुर जिले में 300 से अधिक सेवारत चिकित्सक हैं, जो कि जिले की अलग अलग पीएचसी, सीएचसी और सैटेलाइट अस्पतालों में तैनात हैं। लेकिन इस स्ट्राइक की वजह से कहीं न कहीं इन तमाम जगहों पर हालत काफी खराब है। साथ ही अब एमबी चिकित्सालय के रेजिडेंट डॉक्टर्स के भी स्ट्राइक पर आने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में करीब 300 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। रेजिडेंट चिकित्सकों ने सरकार से मांग की है कि अगर जल्द ही इन सभी मांगों के ऊपर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता है, तो हड़ताल और उग्र रूप ले लेगी। प्रातःकाल 9 से 11 हमने पेन डाउन रखा और एक जीवीएम का आयोजन किया गया, उसमें समस्त आरएनटी के रेजिडेंट शामिल हुए। उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रेजिडेंट्स की 11 सूत्रीय मांगे एवं अरिसदा की 33 सूत्रीय मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, हम 2 बजे के उपरांत अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे मरीजों को परेशानी होगी, उसके लिए आप क्या करेंगे? मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो तुरंत प्रभाव से सीए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय इस पर पहल करें और तुरंत प्रभाव से ये जो जायज मांगे हैं रेजिडेंट्स की एवं अरिसदा की, उनको तुरंत प्रभाव से वार्ता के माध्यम से हल निकाल के, आश्वस्त करके या क्रियान्विति करके तुरंत प्रभाव से आंदोलन को समाप्त करवा सकती हैं, ताकि आमजन को हानि नहीं हो। बहुत सुनिश्चित नीतिपूर्वक अरिसदा 3 महीने से इस आंदोलन को चला रही है, लेकिन राज्य सरकार किसी भी तरह का इस पर सकारात्मक पहल अभी तक नहीं कर पाई है। मैं पुनः राज्य सरकार से अनुरोध करूँगा कि मरीजों के हित में माननीय मुख्यमंत्री महोदया इसमें पहल करें और इसका मांगों पर क्रियान्विति करा के आमजन के हित में आंदोलन को समाप्त करवाएं। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। रंग लाया देवेंद्र जावलिया का हिम्मत वाला फैसला, एक ही दिन में वार्ड 10 को मिली 38 लाख की सौगात। एग्रीटेक मीट का हुआ समापन, शहर को गांवों ने कहा अलविदा, सरकार राजधानी लौटी। विकास के पैसे ही टकार गए मार साहब, बेबस अधिकारी हुए निशब्द, बिना रिकॉर्ड के कैसे हो मामला दर्ज। और अशोका टॉकीज में दिखेगी पक्की हीरोगिरी, उदयपुर के कलाकारों का अभिनय होगा आकर्षण का केंद्र। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।